राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति हुई तेज। अयोध्या में राम मंदिर पर महाविकास आघाड़ी में घमासान। तेज हो रही है मंदिर मुद्दे पर बयानबाजी। रॉ टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीति अब तेज हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में बयानबाजी अब तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं, जिस पर एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बयान दिया है और अब शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। पहले आपको बता दें कि शरद पवार ने क्या कहा था। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। अभी कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है और कोरोना को ख़त्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, यही उनकी प्राथमिकता भी होनी चाहिए। शरद पवार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन में हुए अर्थव्यवस्था के नुकसान पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। सुनिए शरद पवार ने क्या बयान दिया था। काही लोकांना असं वाटतंच असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल, आणि त्या बांधून कदाचित त्यांनी हा काही तो घेतला असावा, मला माहिती नाही, नाही बरं माहिती नाही। पण आमच्या दृष्टीने आम्हाला कोरोना हे संकट होतं असं वाटतं, आणि कोरोनाच्या मुळे हे जे लॉकडाऊन आणि या सगळ्या गोष्टी होत आहेत त्याचा सहन अर्थव्यवस्थेनं फायदा होतो, छोट्या मोठ्या व्यवसायांचा फायदा होतो, त्याची आम्हाला चिंता आहे। यानी कहीं ना कहीं भूमि पूजन की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि राम मंदिर की बाधाएं शिवसेना ने ही दूर की हैं। महाराष्ट्र सरकार में प्रमुख घटक दल शिवसेना अयोध्या में राम मंदिर बनाने के समर्थन में है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का रुख साफ नहीं है। संजय राउत ने सोमवार को कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे जब सीएम नहीं थे तब भी अयोध्या गए और सीएम बनने के बाद भी अयोध्या गए थे। जब मीडिया कर्मियों ने ये पूछा कि क्या सीएम उद्धव ठाकरे को अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में निमंत्रण मिला है, तब उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने के लिए किसी के निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अयोध्या जाने का रास्ता मालूम है। ये भी कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर कोई विवाद नहीं है। संजय राउत ने क्या बयान दिया है सुनिए। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी अयोध्या गए हम लोग, और जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी अयोध्या में जाकर आए। राम मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं थी वो रास्ता साफ करने का काम शिवसेना ने किया है 30 साल पहले, वो सब बाधाएं हटा दी। आपको मालूम है डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, पुलिस, ये सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा बलिदान इस लड़ाई में अगर किसी ने दिया है तो डॉक्टर और पुलिस ने दिया है। तो मैं मानता हूँ ये कोई धार्मिक या श्रद्धा की भावने का विषय नहीं है, ये लड़ाई का विषय। न्यास समिति से निमंत्रण आने के बाद उद्धव ठाकरे वहाँ पर जाएंगे। अयोध्या में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि संजय राउत ने शरद पवार के बयान से अपने आप को अलग रखा है, मगर कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है और राजनीतिक बयानबाजी तेज होते जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।